ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨਾ। जबरदस्ती करने की कोशिश करी उसने मेरे साथ में, शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। पुलिस ने पति खिलाफ किया मामला दर्ज। दस्तिए कि एक बेहद ही मंदभागी खबर सामने आई है, जिस दे विच किया जा रहा है कि जदो पत्नी ने पति नू संबंध बनाउण तो रोकया तब पति ने पत्नी दे उत्ते हमला कर दिता। जानकारी मुताबिक किया जा रहा है, एक दिन पति उसके घर आउंदा है ते आउंदे सार उसके नाल संबंध के लिए दबाव पाउन लगता है। जदों वह मना करती है तो उस तो बाद गुस्से दे विच आए पति वल्लों चाकू दे नाल पत्नी ते हमला कर दिता जाता है, जिसके कारण वह बुरे तरीके नाल जख्मी हो जाती है, जिस तो बाद उसनू इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। दूजे पासे इस मामले की जानकारी पुलिस नू भी दे दित्ती गई है। पुलिस दे वल्लों भी इस मामले की जांच की जा रही है ते पत्नी दे बयानां दे आधार ते हुण कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पति मौके तो फरार दसिया जा रहा है अते दोवां दे बच्चे भी अपनी मां दे नाल ने, जिस दे कारण पति एक दिन अपनी पत्नी नू मिलन दे लई घर आउंदा है ते आउंदे सार उस दे नाल संबंध बनाउण दे लई कहिंदा है ते जदों ओह उसका विरोध करती है तां गुस्से दे विच आके उसदे वल्लों तेज धार हथियारां नाल पत्नी ते ही हमला कर दिता जाता है ते जिस तों बाद ओह गंभीर रूप नाल जख्मी हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया ते अगली जांच की जा रही है ते पति दी भाल की जा रही है। पति मौके तो फरार दसिया जा रहा है। मामला फरीदाबाद तो सामने आया। मेरा आदमी मुझे मार के चला गया था, आदमी मार के चला गया था मुझे। वजह क्या है? वजह मेरा कोर्ट केस चल रहा था तो घर में आता जाता था, मारपीट करके चला गया। कब की घटना है? कब से आपका डिवोर्स का केस चल रहा है? वजह क्या थी मार? पहले भी दारू पी के मारता पीटता था, मेरे हाथ पैर कई बार तोड़े थे इसने, और कल भी इसने ऐसा ही करा। मेरे 5-6 महीने से कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स का, और 4 साल से दूसरा केस चल रहा है दहेज का। 4 साल से आप लोग अलग रह रहे हैं? 4 साल से हम अलग रह रहे हैं। घर में ही आता जाता था बच्चों से मिलने के लिए, उठता बैठता भी। हाँ ठीक है। अभी आप कह रहे हो 17 तारीख को आपकी लास्ट डेट हुई थी, उसके बाद 17 तारीख को मैं कोर्ट में गई थी, ये भी कोर्ट में गया था, तो हमारी वहाँ पे बातचीत हुई फैसले के लिए, तो उन्होंने 29 तारीख को कोर्ट में 29 तारीख को हमें बुलाया था फैसले के लिए कि अगर कोई गुंजाइश हो तो देख लो तुम दोनों मिलजुल के बात करके, तो हमें 29 तारीख को जाना था। आप फैसला करना चाहते थे? फैसला मैंने कल ये बहस करे जा रहा था मेरे से फैसले के लिए, मैंने इससे यही बोला कि हम कोर्ट में ही बात करेंगे इस बारे में। मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। और शराब पी के आया था वो? और घर पे वो शराब पी के आया था, चाकू भी रखा था। उसने मेरे को 5-6 थप्पड़ भी मारे, बहस करी, गाली गलोच भी करी, तो फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करी उसने मेरे साथ में, शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, पर मैंने मना करी तो उसने मुझे 5-6 थप्पड़ मारे, और फिर उसके हाथ में कुछ छल्ले में कुछ था, चाकू जैसा पता नहीं क्या था उसमें, तो मेरे पेट पे मार के चला गया, भाग गया। फिर आपने पुलिस को फोन किया या क्या किया? हाँ, मेरे लड़के ने फोन करा 100 नंबर पे। पुलिस आई? पुलिस लाई आपको? पुलिस मुझे यहाँ बी के लेके आई। फिर राजवीर, आप क्या चाहते हैं? मैं तो उस पर कार्रवाई करवाना चाहती हूँ बस। आप कोई गुंजाइश नहीं बची? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है साथ में रहने की। दो बेटे हैं आपके? हाँ जी, 2 बेटे हैं। पुलिस के बयान हो गए क्या आपके? हाँ जी, पुलिस के बयान हो चुके हैं सुबह।